Hello friends, this is my third and last video of discovering truth. The saga continues. तो last video में हमने यहाँ तक देखा था एम एन हॉटेप थर्ड, यहाँ से शुरू करना था मुझे. तो इस चैप्टर के इस पार्ट में ये टूट की फैमिली डायनेस्टी के बारे में बता रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा प्लीज़. एम एन हॉटेप थर्ड, टूट्स फादर और ग्रैंड फादर, वॉज अ पावरफुल फेरो हु रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टीज गोल्डन एज. एम एन हॉटेप थर्ड, टूट के फादर या ग्रैंड फादर थे, वो बहुत ही पावरफुल फेरो थे जिसने ऑलमोस्ट 4 decades यानी ऑलमोस्ट 40 years तक रूल किया था. उनका जो रूलिंग पीरियड था वो इनकी डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड था. हिज सन एम एन हॉटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम and initiated one of the strangest periods in the history of Egypt. इनके जो सन थे एमन हॉटेप फोर्थ, उन्होंने उनको सक्सीड किया. किसको सक्सीड किया? एमन हॉटेप थर्ड को. और सक्सीड करने के बाद एंशियंट इजिप्ट में उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड की शुरुआत की थी. इन द एंशियंट इजिप्ट द न्यू फैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क. आतन या अटन बोल सकते हैं इसको. स्ट्रेंजेस्ट पीरियड किस लिए था ये इसमें अब डिटेल आपको पता चल जाएगा. द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम टू अखनतिन और सर्वेंट ऑफ एथन एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखतातिन नाउ एज अमरना. इनके सन एम एन हॉटेप फोर्थ ने उनको सक्सीड किया और एंशंट इजिप्ट में एक बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड की शुरुआत की. इस न्यू फैरो ने एटन की वर्शिप स्टार्ट करवा दी थी जबकि एमन की वर्शिप उस समय हुआ करती थी. उसको चेंज करके एटन की स्टार्ट करवा दी. उसने अपना नाम भी एम एन हॉटेप से चेंज करके अखनातन कर लिया क्योंकि वो एटन को मानता था, इसलिए अखनातन कर दिया. सर्वेंट ऑफ एथन यानी अपनी, और उसने अपनी रिलीजियस कैपिटल को भी ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स से चेंज करके न्यू सिटी ऑफ अखतातिन कर दिया, नोन एज अमरना कर दिया था उसने. ये चेंजेस उसने किए थे इसीलिए इस पीरियड को स्ट्रेंजेस्ट पीरियड कहा गया. ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग एमन अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स. इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's research center in Luxor at the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. Wacky कहते हैं थोड़ा सा mentally जो हिल गया होता है, यानी पागल थोड़ा सा. उस सेंस में मतलब एक अच्छे सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. wacky मतलब जो स्ट्रेंज जो काम करता है उसको wacky बोलते हैं, जो उस लोगों की समझ में नहीं आए. अपनी कैपिटल को ओल्ड सिटी ऑफ थीब से हटाकर न्यू सिटी ऑफ अखतातिन नोन एज अमरना कर दिया. उसने एमन पर अटैक करके कंट्री के जो लोग थे उनको, उसको एक और शॉक उसने दे दिया. सब शॉक्ड हो गए इसके इस काम से. एमन जो कि एक मेजर गॉड थे उनकी इमेजेस को उसने तोड़ दिया और उनके टेम्पल्स को क्लोज कर दिया. रे जॉनसन जो थे डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स बोले, वो बोले कि एक फैमिली जिसने सदियों तक शासन किया था अब वो ख़त्म होने वाली थी. एक पूरी डायनेस्टी अखनातिन के इन्हीं सब कामों की वजह से उसे एक वैकी यानी कि एक डिफरेंट रूलर कहा गया. आफ्टर अखनातिन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस एंड देन अ वेरी यंग तूतनखातन टुक अ थ्रोन. King Tut, as he is widely known today, the boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. Akhenaten ki death ke baad ek aur mysterious ruler aaya, uska naam Smenkhare tha. बट उसका कोई खास ट्रेस नहीं मिला, उसने ऐसे स्पेशली कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया जिसकी वजह से लोग उसको ट्रेस कर सकते. उस एंड देन अ वेरी यंग तूतनखातन थ्रोन पर बैठा, थ्रोन यानि सिंहासन पर बैठा. किंग टूट के नाम से ही सभी उसको जानते थे. इसने बहुत ही जल्दी अपना नाम चेंज करके तूतनखामुन लिविंग इमेज ऑफ एमन कर लिया और पुरानी परंपराएं फिर से उसने शुरू करवा दी.
उसने 9 ईयर्स तक रेन किया, वहाँ शासन किया, और अनएक्सपेक्टेडली अचानक से उसकी डेथ हो गई एक दिन। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टुट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। हाउ मैनी? नो वन नोज। इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट ने एक इन्वेंट्री 2003 में स्टार्ट की थी, जिसमें कि 600 के लगभग ममीज अब तक काउंट की जा चुकी हैं। एंड देयर आर सो मैनी ममीज इन इजिप्ट एंड इज स्टिल काउंटिंग। नो वन नोज द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैड रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। टूट बहुत सारी ममीज में से एक ममी है बहुत जो कि फेमस है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस जो कि मैन्युफैक्चरर से, उन दोनों ने मिलकर एक पोर्टेबल सीटी मशीन ममीज की स्कैनिंग के लिए डोनेट की है। किंग टूट की ममी को सबसे पहले स्कैन किया गया। आफ्टर दैट एज इन लाइफ में जो किंग होता है, एज इन लाइफ में भी जो किंग होता है वो अपने कंट्री मैन का लीडर होता है और कोई भी नई चीज़ वही सबसे पहले करता है। यहाँ पर भी आफ्टर डेथ भी टुट के साथ वही हुआ कि सारी ममीज जितनी भी थी अपनी कंट्री मैन की, उन सब में सबसे पहले टुट की मम्मी को स्कैन किया गया। वो एक तरीके से अपने कंट्री मैन को अब भी लीड कर रहे थे डेथ के बाद भी। अ सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शंस। टुट्स हेड स्कैन इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures takes on eerie detail in the resulting image. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. The next of the scan workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously. सीटी मशीन ने मम्मी को हेड टू टो स्कैन किया 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में की। टुट के हेड की 0.62 millimeter की स्लाइसिस को बना, मतलब इतने बहुत ही डीप एक एक चीज़ की डिटेल उसकी स्कैन किया गया ताकि उसमें जो इंट्रिकेट स्ट्रक्चर था उसके हेड का, उसकी डिटेल मिल सके। ईरी डिटेल का मीनिंग होता है द सीटी स्कैन द किंग टूट्स स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस हेड फ्रॉम ऑल साइड्स। किंग टूट की एंटायर बॉडी को सिमिलरली स्कैन किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एनाटॉमी, ये सभी लोग वहाँ पर बुलाए गए जब स्कैन किया गया। ये लोग जांच करने लगे कि कहीं सचमुच में ही तो कोई गोल्ड के विंग्स वाली गॉडेसेस ने श्राइन को वेरी लॉन्ग टाइम से प्रोटेक्ट नहीं करी, जैसे कि बहुत सारी मिथ और बहुत सारी स्टोरीज टुट की डेथ के साथ में जुड़ी हुई थी, बहुत सारी कहानियाँ। द नाइट ऑफ स्कैन वर्कमैन कैरिड, जिस सुबह स्कैन होना था उस रात को वर्कमैन जो थे वो टुट की बॉडी जो बॉक्स था उसको टूम से उठा लाए थे, जैसे कोई पालकी ले जाता है पाल बीरर्स, उसी तरीके से पाल बीरर्स कहते हैं पालकी उठाने वाले लोग, जो लोग थे दोज हु कैरी कॉफिन्स, पालकी कह सकते हैं या कॉफिन कह सकते हैं, तो वो जो उठाने वाले लोग जाते ठीक उसी तरीके से वो उसके बॉक्स को उठा करके ले आए थे। वो एक रैंप पर चढ़े फिर सीढ़ी पर, और बाहर जो रेत थी वो सैंड जो थी वो स्विल की तरह उड़ रही थी। स्विल कहते हैं गोल गोल चक्कर लगाने को, गोल गोल राउंड में चक्कर की तरीके से वो वहाँ पर सैंड घूम रही उड़ रही थी। और उसके बाद वो लोग एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में चढ़े, फिर एक ट्रेलर में उनको स्कैनर तक, ट्रेलर में चढ़े जो कि उसको स्कैनर तक लेकर के गया, ट्रेलर उनको एक स्कैनर, उसको उसका स्कैनर तक लेकर के गया उन सभी को। 20 मिनट्स के बाद
टू मैन एक नियर बाय ऑफिस में गए और वन पेयर ऑफ प्लास्टिक फैंस के साथ वो लोग वापस लौटे। मिलियन डॉलर स्कैनर रुक गया था क्योंकि उसके कूलर फैन में सैंड आ गई थी, क्योंकि बाहर बहुत सैंड उड़ रही थी इसलिए। तभी एक गार्ड ने नर्वसली जोक क्रैक किया कि ये कहीं फैरो का कर्स तो नहीं है जिसकी वजह से ये कूलर फैन चलना, जिसकी वजह से स्कैनर चलना बंद हो गया है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बिन लॉस्ट, द टेक्नीशियन टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन। द फैरो अगेन रेस्टेड इन प्लेस इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। फॉर्चुनेटली जो फैंस का सब्स्टिट्यूट फैन था उसने अच्छा काम किया और अब प्रोसीजर फिनिश हो पाया। सब कुछ चेक करने के बाद ये पता चला कि कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं हुआ था। टेक्नीशियंस ने टुट की मम्मी को वर्कमैन्स को रिटर्न कर दिया और वो उनको वापस टूम में लेकर के गए। 3 आवर्स से भी कम टाइम के लिए फैरो को उसके जो कॉफिन से हटा करके दोबारा उसी जगह पर लिटा दिया गया था जहाँ पर फ्यूनरी प्रीस्ट जो थे, जो उस समय जब टुट की डेथ हुई थी तब उन लोगों ने उसका सब कुछ जो लास्ट होता है क्रियाकर्म जैसे बोलते हैं वो सब कुछ उन्होंने किया था। और फ्यूनरी प्रीस्ट जो थे उन्होंने उसको लिटाया था फ्रॉम वेरी लॉन्ग ईयर्स अगो। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट इन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अ ग्रे हेयर टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। नेक वर्टेब्रे appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. But for now, the pressure was off. Sitting back in his chair, Zahiwa smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night. Not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. स्कैनिंग रूम में एक टेक्नीशियन टुटकी इमेजेस को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है और ग्रे हेड की पिक्सल से बनी हुई इमेज को वो हर एंगल से देखता है। एनाटॉमी की क्लास में जिस तरीके से दिखता है ठीक उसी तरीके से नेक की वर्टिब्री भी दिखा क्लियर दिख रही थी। अदर इमेजेस में हैंड, रिब केज की सेवरल पिक्चर्स और हेड की पिक्चर्स थी, बट अ प्रेशर ऑफ था। जई हवा स्माइल करते हुए बोले कि आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, नॉट फॉर अ सेकेंड, आई वॉज सो वरीड, बट एवरी थिंग इज ओके एंड नो एंड नाउ आई थिंक नो नो थिंग इज सीरियसली रॉन्ग, नाउ आई शुड गो एंड स्लीप। अब वो टेंशन फ्री हो गए थे क्योंकि एवरी थिंग वॉज क्लियरली ओके, परफेक्टली ओके, नो अदर एनी मिस्टेक वॉज डन एंड नो अदर एनी रॉन्ग थिंग वॉज डन। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still, like death itself in this valley of the departed. Just above the entrance of Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. जब हम वापस जा रहे थे ट्रेलर से मेटल की स्टेयर्स से रेत पर जाते हुए, हवा उस समय एकदम से रुक गई थी जैसा कि स्टार्टिंग में था। जब वहाँ से उठाया गया था तो बहुत तेज़ तूफान हवा का आया था, रेत बहुत उड़ रही थी बालू, तो सब कुछ एकदम शांत था। इतना शांत था जैसे डेथ के बाद एकदम शांति हो जाती है, ठीक उसी तरीके की शांति थी। टुटकी टूम के ऊपर स्टार्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सोल ऑफ ओसायरिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ इस बॉय किंग को ऊपर से देख रहे हों, जैसा कि एंशियंट इजिप्शियंस का बिलीफ था। और सब कुछ एकदम कूल एंड साइलेंट था, जैसे कि अब कुछ भी गलत नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।